काम क्या कर रहा है, टू पाइप्स ए और बी को 60 मिनट और 75 मिनट लग रहा है, और एक थर्ड पाइप है वो इसको एम्प्टी कर रहा है, और फिर कर रहा है ऑल द थ्री पाइप्स आर साइमल्टेनियसली ओपन, एक साथ सबको खोलते हैं तो 50 मिनट में भर जाता है। तो यहाँ पे तीन पाइप है, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, और यहाँ पे तीनों। अब देखें पाइप ए का, सब लोग देखो तो क्या गिवन है, 60 मिनट। पाइप बी का कितना गिवन है, 75 मिनट्स। और पाइप सी का कितना है नहीं मालूम, तो एक्स मान लेते हैं। और तीनों, ऑल थ्री, अगर तीनों एक साथ ऑन होता है तो कितना मिनट लग रहा है, 50 मिनट्स। देखो ये गिवन है क्वेश्चन में, ये 60 मिनट, ये 75 मिनट्स, ये एक्स मिनट। देखो जो नहीं है हम लोग उसको क्या सपोज कर लिए, एक्स, और ये 50 मिनट्स। अब बताओ, यहाँ मैंने बताया था टोटल वर्क क्या ले लो, तो सबों का एलसीएम बताओ, तो सबों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एकदम जवाब देते चलो फास्ट। 300 300 300 300 300 300 300 लिख लिया। पांच अब बताओ 60 से कितने बार में 300 आएगा, 5। बार में सर, 75 से कितने बार में, 4 बार में, एक्स। 4 बार में, चार, और एक्स से कितने बार में, नहीं मालूम। तो 50 नहीं से मालूम, कितने बार में, 6 6 बार, 6 बार। 6 6 बताइए क्वेश्चन यही है कि कुछ और है, यही है सर। सब बोले। नेहा आपसे भी पूछ रहा है थोड़ा, आज मैंने सोचा है कि फिर से जीरो से बताएंगे, और आज ही के क्लास में आप सबों को खत्म भी कराएंगे। आयुषी ज्वाइन कर लिया, यस कितनी राय आयुषी, ओके सर, समझ में आ रहा है ये जी क्वेश्चन सर, था। अब देखो जब ये क्वेश्चन था तो इसका आंसर हम लोग 2 से 3 सेकंड में दे सकते हैं। कितने सेकंड में दे सकते हैं, 2 से। अब बताओ 50, ये तो कितना हुआ, सब लोग ध्यान दो, पहला कितना है, पांच 5, और ये कितना है, 4। बताइए चार 5 और 4 कितना, 9। नौ नाइन नाइन में नौ से हमको ये नहीं मालूम है, ध्यान दो ये नहीं मालूम है, तो 9 में से 6 घटा दो तो कितना आ गया, तो थ्री देखो हम लोग कुछ भी नहीं किया, ये तीन थ्री मिल गया, मिला कि नहीं, 3 3 यस 5 4 9 में से 6 घटा दिया क्योंकि तीनों का मालूम है, तो ये 3 आ गया। अब 3 से डायरेक्ट इसको भाग दे तो कितना मिनट, जल्दी करो, 100 मिनट सर, हंड्रेड हो गया, सर, 100 मिनट, हो गया 100 हंड्रेड मिनट। सर, देखो कितना इजी था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। एक टैंक में 2 नल लगा है, पहला नल कितने समय में भर रहा है, जल्दी बोलिए, क्वेश्चन बोलते चलो। 45 मिनट्स, वेरी गुड। दूसरा कितने समय में वो खाली कर सकता है, तो 60 मिनट, ऐसे -60 कर दे क्या, यस सर, गुड। और दोनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला गया, हम लोग दोनों का एलसीएम बताओ क्या होगा, 180 180 180, 45 से कितने बार में, जल्दी बताओ, 4 बार, और 60 से कितने बार में, जल्दी बताइए, 3 टाइम्स, लेकिन ये माइनस है तो साइन क्या कर दें, माइनस तो रिजल्ट वन क्या आएगा, 4 वर्क हो रहा है, 3 खत्म हो जा रहा है, रिजल्ट क्या आया, एटी 2 मिनट में 1 वर्क, तो एक का ये कितना टाइम्स है, 180 वन टाइम्स एट्टी टू है कि नहीं, हाँ सर, तो ये 180 मिनट है, और ये अल्टरनेट देखा, देखो यहाँ बारी बारी लिखा हुआ है, बारी बारी यानी अल्टरनेट है, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो अल्टरनेटिवली है ना कि नहीं, यहाँ पे तो यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 360 मिनट, और 360 मिनट मतलब कितना आवर, 6 आवर्स, बोलो कोई प्रॉब्लम है आपको, नो सर, एकदम देखने के साथ सॉल्व हो रहा है कि नहीं, 45 से 4 बार में, 60 से 3 बार में ये कितना आ गया, 1,
और 180 बाई 1 करो या 1 का कितना मल्टीपल है तो डायरेक्ट कटने वाला 180, तो 180 मिनट तो लगा ही। और चूंकि अल्टरनेट था तो 2 से अल्टरनेट मतलब 2 दिन हो रहा है और 3 दिन वाला रहता तो 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 360 मिनट, 6 आवर्स। तो कितना इजी क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चन बोलिए, ए का कितना है? 75/2 मिनट, यही है क्वेश्चन। और बी का कितना है जल्दी बताइए? 45 मिनट। क्या दोनों फिलिंग पाइप है कि कोई एम्प्टी पाइप भी है? दोनों फिलिंग पाइप ही है, फिलिंग पाइप ही है। सबों को रिप्लाई करना, सब अपना जहां लगे एकदम जवाब देते चलो, क्योंकि आज एक तरह से हम लोग रिवीजन कम और आसानी से इस चैप्टर को खत्म करेंगे। लगेगा सचमुच इतना इजी चैप्टर था, और अगर ये अच्छा हो गया फिर टाइम एंड वर्क को फिर से देख सकते हो और इजी लगेगा। चलो यहाँ पे देखो, जब फ्रैक्शन में होना तो नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे? 75 का और 45 का। किसका लेंगे? 75/45 का। 75/45 का क्या लेंगे एलसीएम? बताओ कितना हो जाएगा? 225 होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. और 75 से कितने बार में 225 आ रहा है जल्दी बताओ? 75 से 3 बार में आ रहा है, कितने बार में आ रहा है? 3 टाइम्स। और ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से गुना कर दो, सीधा आ गया 6। जो डिनोमिनेटर फिर से देख लो, 75 से 3 बार में आया, 3 गुना 2 6। अब वो फ्रैक्शन वाला सारा झंझट खत्म हो गया। 45 से कितने बार में? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स दोनों को खोल दिया जाता है, दोनों फिलिंग पाइप है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं टंकी को? आप बताओ दोनों मिलकर के कितना वर्क किए? 11,000। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? पहला पाइप, टू पाइप्स ए और बी, फिल असिस्टेंट 75 घंटा, 2 मिनट और 45 मिनट। बोथ पाइप आर ओपन, सिस्टर्न विल बी फिल जस्ट इन हाफ एन आवर। क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हम दोनों को ऑन कर दें तो आधे घंटे में भर जाएगा। तो आगे क्या करा? बी को कितने समय बाद बंद किया? किसका पूछ रहा है? बी का। अच्छा बताओ इसका मतलब है ए कितनी देर चला होगा? आधे घंटे। आधे घंटे मतलब 6 गुना 3, ए का तो 30 मिनट, 6 वर्क हो रहा है तो 30 गुना 6 एक वर्क कर लिया कितना? 180 वर्क। तो बताओ कितना वर्क बच गया? 45। तो बी कितना वर्क करेगा? सीधा 45 बाय कितना है बी का जल्दी देखो यहाँ? 9 मिनट। 9 तो कितने आसानी से, फिर से देखो इस क्वेश्चन को। 75/45 का 225, 75 से 3 बार में, 3 गुना तो 6 हो गया, और 45 से कितने बार में? 5 बार में। अब कर रहा है क्वेश्चन क्या, ए को आधा घंटा चलाया गया और बी को कितने समय बाद बंद किया गया? बी का हम लोग को नहीं मालूम था, ये हम लोग क्या मान लिया? एक्स मान लिए। तो ए जो चला तो कितना वर्क किया? तो 6 गुना 30 वर्क ए कर दिया, 180 काम कर दिया, तो 45 बचा हुआ है। तो हम लोग ऐसे लिखते बी तो 5 गुना एक्स मिनट चला और ये 45 वर्क, तो इसका अर्थ है बी कितना वर्क करेगा मतलब कितने समय में भरेगा? 9 मिनट में। बोलो किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। साक्षी बताओ? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अगला क्वेश्चन। अ टैंक इज फिल्ड बाय टू पाइप 20 मिनट 30 मिनट, व्हेन द टैंक वाज एम्प्टी द टू आर ओपन। और फिर क्या कर रहा है? आफ्टर सम टाइम फर्स्ट वाज स्टॉप। किसको स्टॉप किया? फर्स्ट को। एंड द टैंक इज फिल्ड इन 18 मिनट्स। अब बताओ पहले ए का कितना था, क्या लिखे? 20 मिनट सर। और बी का कितना था? 30 मिनट। तो 20 मिनट और ये हो जाएगा 30 मिनट। अब बताइए जब टैंक खाली हो तो दोनों को खोल दिया जाता है। कुछ पहले तो बताओ दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, फास्ट बताइए? 60। 20 से कितने बार में?
और 30 से कितने बार में? टू टाइम्स कुछ समय बाद पहला पाइप बंद कर दिया गया, कितने समय बाद बंद किया? एक्स मिनट बाद। और टैंक 18 मिनट में, यानी दूसरा कितना देर चला? 18 मिनट तक। ये दोनों वर्क बराबर 60 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डायरेक्ट लिख लो 3x प्लस 36 बराबर 60, बताओ होगा या नहीं होगा? होगा। मतलब ये वर्क और ये वर्क दोनों मिलकर के 60 वर्क करेगा, तो व्हाट विल बी एक्स? देखकर ही लग रहा है 8 होगा, बताओ। 8 मिनट। 8 मिनट सर। नॉट सर। मोहन वर्मा आज ज्यादा क्लियर हो रहा होगा? हाँ सर, आज पूरा क्लियर हो रहा है सर, जल्दी भी बन रहा है आज। अब ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, इसलिए क्वेश्चन को कल दिखाया था, उसका कॉन्सेप्ट दिखाया था, और मेरे को मैंने फील किया था कि कल कुछ आप लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो सोचा कि नहीं चलो फिर एक बार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 पढ़िए। अ टैप टेक्स 36 आवर्स टू फिल अ टैंक ड्यू टू अ लीकेज इक्विवेलेंट टू इट्स इनफ्लो, हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो। इनफ्लो कैन, यानी टंकी की तली में छेद के कारण एक नल, नल को हम लोग क्या ले लें? एक नल है। किसी टंकी को भरने में 36 मिनट का अतिरिक्त समय लेता है। X plus 36. एक तो नल हो गया और दूसरा इसका लीकेज हो गया, हो गया कि नहीं? और नल प्लस लीकेज, तो ऐसे तो नल मान लो कि x मिनट में भर रहा था, सपोज कितने देर में भरा, क्योंकि स्टार्ट में ही करा। अ टैप टेक्स 36 आवर एक्स्ट्रा, 36 घंटा ज्यादा ले रहा है, तो नल का अगर x आवर है तो नल प्लस लीकेज दोनों के कारण जल्दी बताइए कितना होगा? x प्लस 36 होगा या नहीं? हाँ सर, x प्लस 36। ये अगर x आवर है तो ये x प्लस 36 आवर्स होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, ये क्या था? टाइम था। और एफिशिएंसी क्या है इसका? क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि इसका आधा है लीकेज, है कि नहीं? यस सर। टू इज टू वन, दो में से एक घटा दो, वन, तो ये भी आ गया वन। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दो था एफिशिएंसी तो एक्स लग रहा था, एक एफिशिएंसी है तो एक्स प्लस 36, बोलो ये होगा या नहीं होगा? हाँ सर। M1D1 M2D2, आज किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नो सर। तो M1 यानी 2x सॉल्व किया तो x बराबर अगेन आ गया 36 आवर्स, बोलो कोई प्रॉब्लम? क्योंकि क्वेश्चन तो ये पूछ रहा था, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा था कि नल जो है वो कितना आवर ले रहा था? एक्स आवर। और एक्स हमारा कितना आ गया? 36 आ गया। बोलिए कितना इजी था कि देखो क्वेश्चन, नल को फिर से एक बार देख ले, नल एक्स था और लीकेज के कारण कह रहा है कि 36 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहा है, तो अगर टाइम लिए नल का कि अगर कोई लीकेज नहीं होता तो ये एक्स आवर में फिल होता, लेकिन ड्यू टू लीकेज x प्लस 36 होगा, होगा या नहीं होगा? और आगे कह रहा है छिद्र यानी लीकेज जो है वो इनफ्लो यानी उस नल से आधा एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी अगर नल का 2 है तो लीकेज का 1 होगा, और नल प्लस लीकेज तो 2 माइनस 1, दिस इज 2 माइनस 1, तो ये भी 1 होगा। अब देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है, अगर एफिशिएंसी ये 2 है तो 2 इंटू एक्स बराबर 1 इंटू दिस, सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 36। बोलिए किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। आगे पढ़ते हैं। अ सिस्टर्न इज प्रोवाइडेड विद 2 पाइप्स ए एंड बी, ए कैन फिल इट 20 मिनट्स, बी कैन एम्प्टी 30 मिनट। हम लोग पहले क्वेश्चन जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं। ए, ए को कितना लग रहा है जी? 20 मिनट्स। और बी को क्या लग रहा है? 30 मिनट्स। बी जो है वो एम्प्टी है, साइन माइनस दे दिया करो, खाली कर रहा है कितने मिनट में? 30 मिनट में। और बारी बारी से एक एक मिनट अल्टरनेट में ये लोग काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? अल्टरनेट में। सर 120 हो जाएगा। क्या होगा? 120 मिनट्स। हाँ
हाँ देखते हैं दोनों का एलसीएम कितना, 60 60 60, 20 से कितना 3, 30 से 2, रिजल्टेंट 1 बराबर 60, 1 बराबर 60। अल्टरनेट है, किससे गुना करोगे, दो से। जी हाँ, 120 मिनट। देखो अल्टरनेट वाले को तो बहुत आसानी से केवल दो से मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 पढ़िए। पाइप ए को 4 घंटे लगते हैं, पाइप बी को 6 घंटे लगते हैं, और फिर वो अल्टरनेट में है, पाइप ए इज ओपन फर्स्ट, देन इन हाउ मेनी आवर्स, यानी हम लोग यहाँ क्या लिखे, ए को कितना लग रहा है, बोलिए 4 आवर्स, बी को क्या लग रहा है, 6 आवर्स, दोनों फिलिंग ही पाइप ही है, बताओ दोनों का एलसीएम क्या ले ले, 12, यानी टोटल वर्क हो गया 12, चार से कितने बार में, तीन बार में, छह से कितने बार में, दो बार में सर, दोनों मिलकर कितना वर्क किए, 5, और वर्क है कितना टोटल, 12, अगर ये क्रम दो बार किया जाए तो क्या हो जाएगा, 10 वर्क होगा, दो वर्क रिमेनिंग, दो मिनट में ये लोग 5 वर्क कर रहे थे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दे तो 4 मिनट में 10 वर्क हो गया कि नहीं हो गया, yes, चलो अब 4 मिनट में 10 वर्क, तो रेस्ट क्या बच जाएगा, बताओ रेस्ट वर्क, रेस्ट दो, दो रेस्ट, तो 12 में से 10 घटा दिया, रेस्ट 2 वर्क बचा, तो बताओ अगली बार फिर ए आएगा तो क्या हो जाता, 2 by 3, 4 × 12 = 14/3, किसी को प्रॉब्लम तो बोलिए, नो सर, सीधा देखो पेन नहीं लगाना था, ये आपके कॉपी के लिए मैं लिख रहा हूँ कि 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 10, देख रहे हो 3 और 2 = 5, ये दोनों मिलकर के 5 वर्क किए, तो 5 × 2 = 10, डबल सीधा देख रहे, ट्वाइस है, यानी 4 मिनट में 10 हो गया, बच गया 2, 2/3, तो क्या कितना इजी है मैथ्स। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को पहले दिन मैं दिखाया कि कितना हम लोग को सोचना पड़ रहा है, अगर हम इस ढंग से कॉन्सेप्ट से नहीं चल रहे तो कितना कठिन लग रहा है, आज वही क्वेश्चन फिर देख रहे हैं कितना इजी लग रहा है। देखिये दो पाइप, पहला 30 मिनट, दूसरा 45 मिनट, और पाइप सी टंकी को 36 मिनट में खाली कर देता है, पहले ए और बी को खोला गया और 12 मिनट के बाद सी को खोला गया, तो कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी, बोलिए 12 मिनट, ऐसे बना ली, 24 मिनट सर, 24 मिनट, 12 मिनट, क्वेश्चन लिखते हैं पहले, 30 D 45 मिनट, बी कितना है, 45 मिनट सर, 45 मिनट, और सी माइनस को खाली कर रहा है, एम्प्टी पाइप है, -36 सर, -36, देखो कॉपी और आगे से आप रफ भी ऐसे ही करना कि कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी कारण से मैं वो चीज दिखला रहा हूँ। अब बताओ ये टोटल वर्क तीनों का एलसीएम 180 हो जाएगा कि नहीं, 180 सर, हाँ सर, 30 से 6 बार में, 45 से 4 बार में, 4 बार से 5 बार में, 5 बार में। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले ए और बी को 12 मिनट तक खोला गया, तो 10 × 12 = 120, वेरी गुड, 6 × 4 10 गुना सीधा यहाँ पे 12 कर दें, यस सर, तो 12 × 120 काम हो गया, तो बचा कितना जल्दी बताओ, 60 काम, और 60 को भाग दे देना है 5 से, क्योंकि जब तीनों 6 × 4 = 10 - 5, तो तीनों मिल, अगर तीनों चलेंगे तो 5 ही वर्क होगा ना, 5 जी सर, तो 60/5 आंसर कितना, ये 12 और पहला 12, 12 + 12 = 24, क्या लग रहा था कि पेड़ नहीं लगाना है, पहले जल्दी से देखो 6 था दूसरा 4 था, 6 + 4 = 10, और 12 मिनट में तो 120,
सीधा हम लोग क्या करेंगे, 180 से 120 आप कुछ मेंटल वर्क ये सब भी कर सकते हैं, तो 60 आया, तो 6 प्लस 4 अगर तीनों ऑन होता तो पहला ऑन होगा तो फिल करेगा, दूसरा ऑन है फिल करेगा, तीसरा एम्प्टी करेगा, तो 6 4 10 में से 5 हट गया, तो 5 आया, 60 by 5 12 और पहले का 12। अब ये सब क्वेश्चन अगर स्टेप वाइज बनाए बहुत लेंदी लगेगा, लेकिन देखो कितने आसानी से सॉल्व हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, टू पाइप्स इंडिपेंडेंटली फिल अ बकेट इन 20 मिनट एंड 25 मिनट। दो पाइप है, पहला 20 मिनट में, दूसरा 25 मिनट में, और दूसरा 25 मिनट में। अब बताओ, बोथ आर ओपन टुगेदर फॉर 5 मिनट, उसके बाद टोटल वर्क लेंगे ना, तो हम लोग क्या करें, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 100। तो पहला 20 से कितने बार में, 5 बार में, 25 से कितने बार में, 4 बार में। अब क्वेश्चन पर दोनों को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट बाद दूसरे को बंद कर देता है, तो दोनों कितना मिनट चला पहले, 5 मिनट चला, 9 मिनट 5 मिनट 9 5 45। काम हो गया, कितना काम बचा हुआ है, 55। और क्वेश्चन क्या करा, शेष भाग को भरने के लिए पहली पाइप द्वारा कितना समय लिया जाएगा, कौन भरेगा पहला पाइप, तो टाइम अगर निकालना होगा तो 55 बटा क्या कर दें, 5, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 11। समीर समझ में आ रहा है, यस सर। चले अगला क्वेश्चन की ओर, पाइप ए टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी टैंक को 12 आवर्स में भर सकता है, अगर ए को मॉर्निंग 7 में खोला जाए, 7 AM में अगर हम खोलते हैं, और बी को 9 AM में, तो टैंक कितने बजे पूर्णतः भर जाएगा। सौम्या क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, हाँ सर। सौम्या कहाँ गायब हो गई, अच्छा तुम लोग सोचते हो कि हम लोग गायब हो जाएंगे तो सर नहीं समझेंगे, नेहा क्वेश्चन ऐसा नहीं है सर, नेहा इज इट क्लियर, ओके तो लिखते हैं, ए को कितना लग रहा है जल्दी बताइए, 8 आवर्स, बी को कितना लग रहा है, 12 आवर्स। हम लोग करेंगे क्या, दोनों टोटल वर्क लिया कितना आ गया, 24, यानी वर्क करना है 24, वर्क कितना करना है 24। आप बताओ सुबह 7 बजे ये खुला, और पहले तो ये देख लो 8 3 सा और ये 12 2 सा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो सर। अब हम लोग क्या देखें कि एक को 7 में, तो 7 बजे से 9 बजे तक कितना ये चला, देखो तो 2 घंटे, 2 घंटे, और ये 8 से, इसको 8 बजे खोला गया ना, नहीं 9 बजे से, 9 बजे, 9 बजे इसको 9 बजे खोला गया, 9 बजे दोनों खुलेंगे सर, तो अभी रहने दीजिए, हाँ बोलिए, तो ये 3 दुना 2 घंटे में 6 भर देगा, तो 6 उसमें माइनस कर दिया टोटल वर्क से, तो 6 को माइनस कर लिया तो कितना काम बच गया, 18 अभी 18 डिवाइडेड बाय, अब तो ये दोनों 5 ही वर्क करेंगे ना, मिलके काम करेंगे सर, तो दोनों 5 18 बटा 18 by 5 5 मींस 5 * 15 और 3 = 18 3 3 by 5 आवर्स होगा। अब बताओ 3 आवर तो कंप्लीट है, और 3/5 आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग उतने बच्चे नहीं हो, अब आप उतने बच्चे नहीं हो, ओके। तो 9 AM में शुरू हुआ था, और अगर हम 3 आवर्स और 36 मिनट को ऐड कर दें तो हमारा आंसर हो गया 12:36 PM, 12 बजे के बाद
पीएम शुरू हो जाता है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। मोहन जी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर। अगला क्वेश्चन, एक पाइप टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, रिसाव के कारण यानी लीकेज के कारण 36 घंटा। तो लिखते हैं पहले क्वेश्चन, ए को कितना लग रहा है जी? 24 आवर्स। सचिन, बी को कितना लग रहा है? जल्दी देख के बोलो सचिन। -36। सचिन बी को कितना लग रहा है? यस सर बता रहे हैं, एक मिनट सर, बी तो सर 36 लग रहा है। ओके निक्की तुम बताओ। -36। एक मिनट निक्की बताओ, बी को कितना लग रहा है? बी को नहीं लग रहा है, बी के रिश्ता तो निकालना है। और दोनों अगर है तब 36 मिनट लग रहा है। हाँ सर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, टोटल वर्क क्या ले लें? 74 से कितने बार में? 3 times। और x का तो नहीं निकला, 36 से कितने बार में? 2 times। 3 में से क्या घटाएं कि ये 2 हो जाएगा, जल्दी बताओ। 1 सर। सीधा 3 minus 2 कर लो, 1, यानी b का निकल गया। यस सर। देखो एकदम क्लियर है, कितना आसानी से बन गया 72/1 यानी 72, लेकिन आधा है, कितना आधा है? हाफ है, तो 72 × 1/2 लग रहा है कि नहीं कि एकदम ये तो मैजिकल क्वेश्चंस है। ऐसा क्वेश्चन कल यही हम लोग पहली बार पढ़े तो कितना टेंशन लग रहा था, आज वही पढ़ रहे तो लग रहा है कि कितना आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो जो कल हम लोग देख रहे थे वही था, इसलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ो तो ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन जो कल का क्लास नहीं किए वो पहले कल का क्लास देखना कि सही में क्वेश्चन क्या कर रहा था, और आज सर उसी क्वेश्चन को कितने इजी वे में हम लोग को समझा दे रहा है। चाहे तो ये सब स्टेप में पेन ही नहीं लगेगा, आप तो तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो, ओरल वर्क करो तो देख के जवाब दोगे। क्या रौनक? हो जाएगा सर। 36 से देख लो, 2 घट गया, 72 घंटे लगेंगे, आधा है तो 36। पेन लगाने की आवश्यकता है? नो सर। नो सर। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब ऐसा होगा। चले अगला क्वेश्चन पढ़िए, टू पाइप्स ए और बी कैन फिल अ टैंक 36 मिनट और दूसरा 45 मिनट, अनदर पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट, फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन आफ्टर 7 मिनट सी इज आल्सो। पहले हम लोग क्वेश्चन नोट करते हैं, चलो क्वेश्चन नोट कराओ। ए को कितना समय लग रहा है, जवाब दीजिए? 36 मिनट। 36 मिनट। बी को कितना लग रहा है? 45 मिनट। मुस्कान बताओ सी को कितना लग रहा है? -30। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करें, तीनों का एलसीएम। नेहा बताओ तीनों का एलसीएम क्या होगा? 180 सर। 180 मिनट। अच्छा एलसीएम जो होता है ना बड़ा आसान, बहुत इजी टेक्निक है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को आगे मल्टीपल बोलते जाओ, देखो बाकी सबसे कटेगा कि नहीं, तो एकदम पेन नहीं लगाना है। जैसे इन सबों में बड़ा लगा 45 तो किसी से कटेगा नहीं, तो उसका मल्टीपल 90 किए वो भी नहीं कटेगा, तो 45 गुना के बाद 4 गुना किया 180, तो लग रहा 36 से भी। कितने बार में कटेगा 36 से? 5 बार में। 45 से कितने बार में? 4 बार में। 36 से कितने बार में? 6 बार में। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नो सर। पहले 7 मिनट किसको चलाया जाता है बताओ? ए और बी को। 5, 4, 9, 7, 63 वर्क कर चुके हैं, 63 वर्क हो गया, 117 तो 117 बचा या नहीं? यस सर। अब बताइए, अब तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी लेते हैं, 5, 4, 9 में से 6 घटा दो, 3 बचा,
बस अब तो देख के लग रहा होगा 117 को केवल 3 से भाग दे दो ना, 39 मिनट। कितना आसान क्वेश्चन था, देखो ये सब अगर हम लोग सॉल्व, कितना लेंदी है और क्या मतलब इतने आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको खत्म भी नहीं करना, हालांकि इसका वीडियो मैं डाल दूंगा, बट प्रैक्टिस करते रहना है। प्रीवियस ईयर हो, कोई भी एक बुक हो, उसको सॉल्व करो। दिक्कत हो रही है फिर पूछेंगे, समझ गए? केवल आप वीडियो तो देख नहीं रहे हो कि हमको दिक्कत हो रहा है तो हम शांत है। यहाँ क्लास होता क्या है कि केवल वीडियो से पढ़ाई नहीं हो पाती है, लाइव क्लासेस में हम अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं और वहां पे हम क्रॉस कर सकते हैं, टीचर हम से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 पढ़िए। एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भरता, दूसरा 60 मिनट में खाली कर देता, गलती से दूसरा नल बंद किए बिना पहला नल खोल दिया जाता है। यानी एक फिलिंग पाइप है और दूसरा एम्प्टिंग है। वॉशरूम का नल खुला रह गया, मोटर का ऑन कर दिया हम लोग भरने के लिए। अब क्या हो रहा है, अगर वो ऐसे ही भरता तो कितने मिनट लग रहा था जी? 40 मिनट देख के हो जा रहा है सर, लीकेज के कारण। देखो आप तो क्वेश्चन देख के हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों का एलसीएम तो 120 होगा, इससे 3 रिजल्टेंट माइनस है 1 माइनस, तो 120 120 मिनट आए। चलो अगला क्वेश्चन। थ्री पाइप पी क्यू आर सेपरेटली फिल अ सिस्टम, चार घंटे 8 घंटे, यानी पी को लग रहा है, पी को कितना लग रहा है जी? 4 घंटे। क्यू को क्या लग रहा है? 8 घंटे सर। 8 घंटे। आर को क्या लग रहा है? 12 घंटे सर। 12 घंटे। और एस को क्या लग रहा है? ये तो खाली करने वाला है, माइनस टेन। टोटल वर्क ले लेंगे सर 120। टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क लेकर के बना दे, चलो ठीक है। टोटल वर्क से आसानी से बन रहा है सर। वेरी गुड। चार आप बताओ, चार से पहले लिख लेते हैं कितना कितना। 30 15 15, आर का 10 और 10 और एस का माइनस 12। अब ऑप्शन के हिसाब से प्लस माइनस कर लेते हैं, सीधे हो रहा है सर, सीधा देख लो। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या रहा है? क्यू अलोन को कितना है? 30। ऑप्शन ए 30, वो 15 था। पी आर एस पी है 30, 30 10 40 में से 12 घटा दो। पी क्यू एस लगाएगा सर, ये तो ऐसे ही बिना टाइम लिखे हुए पता चल रहा है कि पी क्यू एस नहीं लगाना। पी आर एस PRS सर 28, 30 15 45 28, और PNS PS 18, PNS 30 में से 12 घटा दिया 18, PQ 33, PQS 33, PQ और S 33। तो जो वर्क ज्यादा होगा, इनफैक्ट देखो सबसे ज्यादा काम PQ और S, इसका कितना है वर्क, ये कितना काम कर रहा है? पाला क्या 30. था क्यू अलोन कितना है? पाला कितना है का? 15 पहला का 15 सर। दूसरे ऑप्शन में ये कितना हो जाता? पी आर एस पी है कितना? 30। आर कितना? 10। और एस कितना? माइनस 12। 40 से 12 घट गया, ये 28। चले इसमें आए पी क्यू एंड S, P कितना है? P and S, P 30 और 30 के बाद 15, 18 सर। 40 माइनस 12 कितना आया? 18 आया सर। 18 आया। 33। D बना रहे सर, D बना रहे सर। 33 होगा सर। 33 सीधा तो वैल्यू रख देना है। हाँ हाँ। और बताओ ये P और S। 18 सर। 18 सर। 30 माइनस 12। जाते जा रहे हैं S।
18 हो गया। आप देखो जो ज्यादा काम करेगा, तो काम ज्यादा कौन कर रहा है, वर्क तो ये हुआ 33। यस सर, पी क्यू एंड एस। तो आंसर डी होगा कि नहीं होगा? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। यस सर। एक नल से एक बूंद प्रति सेकंड की दर से पड़ती है, मतलब गिर रहा है, एक सेकंड में एक बूंद गिरता है, 600 बूंद मिलकर 100 मिलीलीटर होता है, तो 300 दिन में कितने लीटर पानी बेकार गया, मतलब लीकेज हो रहा है। ऑप्शन ए सर। एक टैप में से एक सेकंड में एक ड्रॉप पानी गिर रहा है, और 600 ड्रॉप जब गिर जाता है तो वो 100 ml है, तो 600 ऐसे लिख सकते हैं क्या, 600 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 600 सेकंड, हो गया या नहीं? लिखा हुआ है एक एक सेकंड में एक ड्रॉप, तो दो सेकंड में दो ड्रॉप, तो 600 ड्रॉप 600 ड्रॉप 100 ml है। अब कह रहा है 600 सेकंड या 600 सेकंड में मतलब 100 ml। क्वेश्चन कह रहा है 300 दिन, 300 दिन को पहले आवर में बदलो इंटू 24 घंटा, मिनट में बदलो इंटू 60, सेकंड में बदलो इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100। तो एक बार में ये क्या होता, तो पहले 100 बाय 600 होता, तो इतना बराबर क्या होगा, तो 100 बाय 600 तो रहेगा ही, इंटू 300 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, सबको सॉल्व किया 4320000। यस सर। और फिर ml है तो लीटर में एक्सचेंज कर देंगे, तो उसको ml हुआ, तो 4320 लीटर हो गया। यस सर। कोई प्रॉब्लम? अरे 600 सेकंड में 100 ml, तो इतना सेकंड में कितना एमएल, ये तो एमएल है, ये तो एमएल है, तो ये कैलकुलेट गुना भाग करोगे तो आएगा 4320, तो इतना आएगा ही, और ये जो आंसर आ रहा है ये 600 से, तो 600 देख के देखो काट देते हैं आप, यहाँ 600 यहाँ 60 एक जीरो काटा, फिर आ जाएगा 432, दो जीरो दो दो चार और एक चार, इतना ही आएगा सर, इतना ही आएगा। यस सर आगे आएगा सर, इतना ही आया सर, हम बनाए सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन इन सबों को क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन की ओर, पाइप ए कितने घंटे में, 4 hours में, पाइप बी कितने आवर्स में, 6 hours, दोनों को बारी बारी से, अरे ये तो अल्टरनेट हो गया, चलो अल्टरनेट आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का एलसीएम कितना, 12। अच्छा ये रिपीट है क्या, 14/3 है क्या? यस सर, यस सर, रिपीटेड क्वेश्चन। तो 3 2 5, तो 12/5, यानी 2 पूर्णांक निकल जाएगा ना, छोड़ो इसको हटाओ। यस सर। ऐसे लिखो 5, तो 2 घंटे ये दोनों मिलकर के आवर्स है, तो 2 आवर्स में 5 है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आवर्स में 10 हो जाएगा, 4 आवर्स में 10, तो रेस्ट क्या बचेगा, 2 बाई 3, तो सीधे 2/3 सॉल्व हो गया, कितना आंसर आ रहा है, 14/3। तो 4 + 2/3, 12 और 2 14/3, 14/3 टोटल टाइम, 28। एक्स को कितना मिनट, 24, y को कितना मिनट, 32, दोनों खोल दिया जाए, y को कितने समय बाद बंद किया गया, किसको बंद करना है, y को, पहले ये देखे टोटल दोनों का एलसीएम क्या होगा जी, 72, और दूसरे को कितने समय बाद किया कि 18 मिनट, यानी पहला 24 से ये 3 72 तो नहीं, 36 32 मिनट है, तो 72 नहीं होगा, LCM 96 आ रहा है ना, चलो LCM आ गया 96।
तो हम लोग लिख ले 96, 24 से चार बार में, 32 से तीन बार में। Y को कितने समय बाद बंद किया, X ले लो कि 18 मिनट में, मतलब X चला 18, ये मतलब P ले लो, तो 4 गुना 18 प्लस 3P और ये बराबर है 96, 72 घटा दो P बराबर yes, sir, एक है? मिनट आ रहा है क्या एक, sir. मतलब इसका वर्क और इसका वर्क बराबर 96 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, तीन नल एबीसी मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में, तीनों मिला हुआ, ए अकेला 30 मिनट में, तीनों मिला हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को क्या समय लग रहा है, 10 मिनट। और नल ए, ए को कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट, और बी को कितना टाइम लग रहा है, 40 मिनट। तो बताइए कितने समय, नल सी को कितना लग रहा है, एक्स मिनट, यही है ना। यस सर, सबका एलसीएम बोलो, 120। तो 10 से कितने बार में, 40 से, अब बताओ 12 4, सबको जोड़ना, 12 में से 4 और 3 7 को घटा दो, कितना बचा, क्योंकि तीनों वाला है, तो 12 में से ये 7 घट गया, तो बचा कितना, 5। तो टाइम तो देख के बता सकते हो, बोलो कितना, 24 मिनट सर। तो यहाँ भी पेन लगाने की आवश्यकता नहीं थी, आंसर आ गया 24 मिनट्स। बोलिए किसी को प्रॉब्लम है, नो सर। चले अगला क्वेश्चन, नो सर। 30 6 घंटा 9 घंटा 12 घंटा में भर सकते हैं, ए का कितना है 6 आवर्स, बी का कितना है 9 आवर्स, सी का कितना है 12 आवर्स। और बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है, फिर ए को भी खोल दिया जाता है, टंकी के बचे हुए भाग को तीनों पाइप कितनी देर में भरेंगे, तीनों का एलसीएम बोलो जल्दी, 36 सर, 36 से कितने बार में, जल्दी बताइए, 6 से 4 2 3। अब क्वेश्चन पढ़ो, किसको आधे घंटे तक चलाया जा रहा है, बी और सी को, बी एंड सी को 30 मिनट, 4 और 3 7, 7 को आधा से गुना कर दिया तो 3.5, तो इसमें से 3.5 को माइनस कर लिया तो बच गया 32.5, बचेगा या नहीं, यस सर। आप बताइए टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है, 6 4 10 में टोटल 30, 6 4 10 3 13, तो व्हाट विल बी टाइम, तो 32.5/13 से भाग दे दो, 13 2 26 और 13 5 65, 2.5 2.5 आवर्स, टोटल टाइम बताओ कितना होगा, टोटल टाइम 2.5 तो है ही, आप प्लस आधा घंटा पहले था तो बताइए कितना आवर्स हो गया, थ्री आवर्स होगा या नहीं सर, यहाँ रिमेनिंग पूछा है ना सर, रिमेनिंग से पूछ रहा है मैं, तो रिमेनिंग पूछा था 2.5 आवर्स, यस सर, मैंने यहाँ तो इसलिए क्लियर लिख दिया कि टोटल टाइम पूछेगा तो ये, और रिमेनिंग पूछ रहा है, रिमेनिंग तब तो आंसर ये, तो कितना इजी था, थोड़ा पॉइंट में आ रहा था तो घबराने नहीं, वो भी ऐसे बन गया, अलग से कुछ नहीं, फिर से देख लो, ए का 6 9 12 था, तो ए का 6 आया, इसका 4 आया, इसका 3 आया, अब करा बी और सी हाफ एन आवर, तो बी प्लस सी को ऐड किया तो बी और सी 4 और 3 7 हुआ, हाफ एन आवर आधा से गुना किया तो ये आ गया हमारा 3.5, और 3.5 लेस किया तो 32.5 टाइम पूछ रहा है, यहीं पे सॉल्व हो गया, बोलो कोई प्रॉब्लम,
प्रशांत समझ में आ रहा है? प्रशांत आयुषी सिंह समझ में आ रहा है? आयुषी सिंह तो तुम लोग का आवाज ही नहीं मेरे पास आ रहा है। सर मेरा आ रहा है। हेलो सर तुम्हारा तो आ रहा है, मुस्कान का नहीं आ रहा है? यस सर। अच्छा तुम्हारा आ रहा है। नैन्सी क्लियर है? यस सर। चले आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देख के ही डर लग जा रहा है। बनाया हो सर आप? डर लगे सर। यस बनाए बनाए हैं। यस सर। पहले क्वेश्चन नोट करा दो। ए को कितना समय लग रहा है जी? 3 hours। 3 hours। अरे नींद बोल रही है। वो बासी लेते हो सर, इसको नेक्स्ट पेज पर ही बनाइए। 15/4 नहीं पहले हम बनाएंगे उधर, अभी हम लोग क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है। बी का कितना है? 3 घंटे 45 मिनट। 45 बाई 60 कर दे क्या? फिफ्टीन बाई फोर आप चार दिया, 12 और 3 15 बेटा 4। बस दो ही पाइप है, एक और है सर सी। और निकास पाइप द्वारा इसे 1 घंटे में, सी का कितना है? 1 आवर। 1 घंटे सर। चलो आउटलेट माइनस में है। ए बोलिए, ए कितना है? 3 आवर्स। ए है हमारा 3 आवर्स। बताइए बी कितना है? 15 बाई 4 आवर्स। सी क्या है? 1 आवर। माइनस है लेकिन ये सी माइनस है ना? यस सर। कहा है एयरफोन के कर है? कहाँ से आवाज आ रहा है जी? तुरंत आप लोग जाओ। प्रशांत पढ़ने के लिए खाली यूज कर रहे हैं। प्रशांत म्यूट सिग्नल है, 400 के है सर, आप म्यूट कर दीजिए सर। प्रशांत थोड़ी देर के लिए कारण का दिया जाएगा, कारण ने पूरा कान को जॉब कर देता है। हमारे पास से भी नहीं हो रहा है जी। सर आप जो ये मीटिंग क्रिएट की है जिस आईडी से, उस आईडी पे टाइप कीजिएगा सर, म्यूट करने का सबको ऑप्शन आएगा। सबका ऑप्शन आता है सर? चलिए अगला देखिए, कह रहा है क्या? दोनों प्रवेश पाइप 1 बजे और 2 बजे खोले जाते हैं, पहला 1 बजे और दूसरा 2 बजे। निकास पाइप को 3 बजे खोला जाता है, तो कितने देर में खाली हो जाएगा? कितने लोगों को हम म्यूट करते रहे जी? सर प्रशांत ही है सर, ये माइक अभी प्रशांत का ही है। शायद वो फोन रख के चला गया हो सर। अभी हो गया म्यूट उसका। अभी उसका म्यूट हुआ। चलो तो देखे, पहला 1 बजे और दूसरा 2 बजे और तीसरा 3 बजे। तो देखो तीनों का एलसीएम क्या होगा? 15। 3 से कितने बार में? 5। 15 से 1 बार में 1 × 4 कितना? 4। और ये क्या हो जाएगा? 15।
ये पाला वाला 1 बजे से 3 बजे तक कितना घंटा चला? 2 घंटे। ये 2 से 3 है ना, पाला 1 बजे दूसरा 2 बजे, तो ये 1 घंटा, तो पाला कितना पानी भरा? 10। और ये कितना? 4। टोटल ये लोग भर चुके हैं कितना? 14। अब तीनों को कंबाइंड ले लें तो कितना होगा? -6 सर। बोलिए। यस सर, खाली होगा अब यहाँ से। अब यहाँ से 14 को खाली करने में यही ना खाली होगा, तो 14 बटा 6 यानी 7/3, यानी 2.1/3 यानी 2 आवर्स और 20 मिनट्स। 20 मिनट्स 3 बजे शुरू हुआ था तो 2 आवर्स 20 मिनट्स 5:20 का क्या हो गया? 5:20 देखो तो ऑप्शन है क्या? यस सर, ऑप्शन नंबर सी। बताओ किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं सर, अब तो इजी लग रहा है सर, बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी। देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है और उसको भी हम लोग कितने आसानी से इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना होगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस और हम आप लोगों को देते हैं, वो ध्यान दो। 32। अब अभी अब क्लास को रुकेंगे, केवल अब होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35, 35 क्वेश्चन। ओके सर, स्क्रीनशॉट हो गया सर। 37 भी है, 37 का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर।